अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदली। बनाजरीन, बिल आखिर इमरान खान की एक बुलेट प्रूफ गाड़ी का जो मामा है वो भी हल हुआ है। आज परवेज़ इलाही साहब ने हैरान किया तहरीके इंसाफ के कारकुनों को, एक बड़ा उन्होंने बयान दिया है और वो भी तहवील में। उमूमन जो तहवील में लोग जाते हैं वो इस तरह का इतना सख्त पैगाम उनकी तरफ से पिछले कम अज़ कम 20 दिन में तो नहीं देखा गया, लेकिन परवेज़ इलाही ने आज छक्का मारा है और इसके ऊपर भी बात बताएंगे आपको क्या क्या चल रहा है। किंग्स पार्टी बन गई है लेकिन किंग मुयसर नहीं है, किंग कौन होगा? अब एक लड़ाई नई शुरू हो गई है कि इस पार्टी का किंग कौन होगा। और मुज़ाकरात की एक ऑफ़र की गई है, क्या वाकई हुकूमत ने घुटने टेक दिए? बिलाखिर इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये परवेज़ इलाही साहब की जो बात है ये आपको बताते हैं कि परवेज़ इलाही साहब को आज जब पेश किया गया उनके रिमांड के लिए तो उन्होंने वहाँ क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर कहता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे झूठे मुकदमे में उठाया गया। और फिर उन्होंने ये कहा कि मैं फौज का बड़ा हामी रहा हूँ हर दौर में, लेकिन मैं अब उनसे ये कहता हूँ कि उनके जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं वो इस मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, वो कौम को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग सच पर हैं, आप हक पर हैं, आप खड़े रहें और आप डटे रहें, साबित कदम रहें, बिल्कुल भी आपने पीछे नहीं हटना, आप तगड़े हो जाएं और नतीजा जो है वो अल्लाह के हाथ में है। तो ये परवेज़ इलाही साहब की तरफ से इस तरह का बयान बहुत गैर मामूली समझा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं इस वक्त भी कि परवेज़ इलाही की दूसरी तरफ कोई बातचीत चल रही थी, लेकिन मेरे जो ज़राए वो अभी भी ये बताते हैं कि परवेज़ इलाही का वापस काफ लीग में कोई जाने का ना इम्कान है ना उनकी वहाँ कोई जगह है। लेकिन परवेज़ इलाही ने अब इसी में ही आफियत समझी है कि वो इमरान खान के साथ चलेंगे। अब कब तक वो जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं ये वक्त बताएगा, क्योंकि परवेज़ इलाही का अलमिया ये भी है कि अगर वो इमरान खान को छोड़ देंगे तो उनकी सियासत ज़ीरो हो जाएगी, वो बिल्कुल ना इस तरफ के रहेंगे ना उस तरफ के रहेंगे। और इनफैक्ट कुछ और भी लोग जो इस वक्त इमरान खान के साथ हैं, जिनका आज मालूम हुआ है कि वो किसी सूरत इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, उनमें एक जो परवेज़ रशीद हैं, सॉरी जो जो शाह महमूद हैं, शाह महमूद कुरैशी, और जो मुराद सईद हैं, और इसी तरह जो यास्मीन राशिद हैं, ये वो लोग हैं जिनका कोई महमूद रशीद इवन जिनका कोई दूसरी तरफ कोई जो है ना वो बात उनकी बन नहीं रही। तो इसलिए उनका अगर वो इमरान खान को छोड़ेंगे तो उनके पास अल्टरनेट कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने इन एनी केस इमरान खान के साथ रहना है। तो अब परवेज़ इलाही भी उस क्लब का हिस्सा बने, उसमें उस सफ के अंदर जो है वो शामिल हुए। आज एक और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की डेवलपमेंट हुई। एक तरफ पूरे ज़ोर के साथ तहरीक इंसाफ को जो है वो नीचे दबाया जा रहा है, वहीं पे राणा सनाउल्ला ये कहते हैं जी कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन उसके लिए आपको शहबाज शरीफ से बात करना होगी। अब एक तरफ तो ये मुझे ये लगा कि इसमें वो टंस कर रहे हैं या टॉन्ट मार रहे हैं कि इमरान खान को जो है वो अब शहबाज शरीफ को फ़ोन करना होगा और वो कहना होगा कि आए जी हम बैठ कर मुज़ाकरात करते हैं, और इसमें वो अपनी जो हैसियत है उसको भी बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो शहबाज शरीफ ही कर रहे हैं और आप जो है वो शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात की बात करें। हालांकि पता है शहबाज शरीफ की तो कोई इतनी हैसियत नहीं है, शहबाज शरीफ को तो खुद आसिफ जरदारी ने कहा कि तुम्हें मैं प्राइम मिनिस्टर बनाता हूँ, तुम प्राइम मिनिस्टर बनो, तो उनकी तो कोई औकात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि हुकूमत ये समझती है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा, इस कैफियत में कब तक वो चलाएंगे, तहरीक इंसाफ को पकड़ेंगे, बंदे तोड़वाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, जाएंगे तो सही इलेक्शन में ना, तो कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, मीडिया बैन हो जाएगा या पाबंदी लग जाएगी या लोग जाते रहेंगे और कितने लोग चले जाएंगे। अल्टीमेटली एक टाइम तो ऐसा आएगा कि आप कारकुनों के ऊपर आएंगे, तो क्या कारकुन भी इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसें करेंगे? तो हुकूमत के अंदर ये समझा जा रहा है कि ये इस वक्त जो है वो चीज़ें उनके हक में ठीक नहीं हो रही हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की जो गाड़ी है, जिसका मैंने आपको कहा था उनकी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी वो अहाता अदालत से गुम हो गई, और उसके लिए उनके जो मालिक थे गाड़ी के इफ्तिखार घुमन साहब, उनकी तवस्त से एक दरख्वास्त दायर की गई। उस दरख्वास्त में उन्होंने वो दरख्वास्त जो थी उसकी आज समाप्त हुई है, तो उसमें जो तफ्तीशी अफसर थे उन्होंने एक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई है, और गाड़ी की उसमें इल्ज़ाम ये लगा है कि ये गाड़ी इसलिए पकड़ी है कि कुछ लोग चूंकि गाड़ी की छत पर चढ़ के आए थे। आपको पता है कि जब इमरान खान
बुलेट प्रूफ गाड़ियों में ट्रेवल करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो उन्होंने एक जंगला लगाया हुआ है, तो उसके ऊपर भी लोग बैठते हैं। सिक्योरिटी के लोग अमूमन साइडों पे खड़े होते हैं लेकिन उसके ऊपर भी लोग होते हैं। तो अब गाड़ी के ऊपर इल्ज़ाम ये है जी कि गाड़ी की छत पर सवार होकर दीगर मुलजमान जुडिशियल कम्प्लेक्स पहुँचे जो तोड़ फोड़ में मुलव्वस थे, और बुलेट प्रूफ जो गाड़ी है वो थाना शालीमार की तहवील में है। गुज़श्ता पेशी पर गाड़ी ख़राब होने पर दूसरी गाड़ी में साबिक वज़ीर आज़म रवाना हो गए थे और मालिक का अथॉरिटी लेटर भी मौजूद है, और इसलिए वो कह रहे हैं कि अब हमें इसकी सुपरदारी दी जाए, मालिक को दी जाए। तो अब वो कहते हैं जी कि गाड़ी की जो सुपरदारी है वो मालिक के बगैर नहीं हो सकती, तो अब जो मालिक है उसको भी तलब किया है, लेकिन गाड़ी इमरान खान को अब जो है वो बुलेट प्रूफ मिल जाएगी। एक और केस था, आज केस था बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट के अंदर, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कुछ अहम रिमार्क्स दिए इस केस के अंदर। एक तो उन्होंने कहा कि डीजी रेंजेस जो है अगर वो नहीं आएंगे तो मैं उनको शोकाज नोटिस जारी करूंगा। ये केस बुनियादी तौर पे जो इमरान खान की जो साबिक जो एहतसाब के मशीर थे शहजाद मिर्ज़ा साहब, उनके भाई के हवाले से, उनका जो भाई है जिसकी बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई थी, तो उस दरख्वास्त में उस समात के दौरान मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो है वो बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा जी कि डीआईजी ऑपरेशन जो है वो उनकी कोर्ट में चूँकि आज पेश हुए, और इस पे उन्होंने कहा कि जो तफसील मांगी हुई थी कि तफसीलात क्या हैं मुकदमों की, तो तफसील भी उनके सामने रखी गई। फिर अदालत ने पूछा कि फुटेज में देखा गया कि कौन है, डीजी जो हैं उनको अदालत ने बुलाया लेकिन हम इसको देखेंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि अदालत ने रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि अगर गाड़ियों और अफराद का तयन हो गया तो इसके नतायज होंगे, इतने लोग जब सीसीटीवी और रेंजेस की वर्दी में आएंगे तो ये शेमफुल एक्ट होगा। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने मजीद कहा करोड़ों रुपए सेफ सिटी पर लग गए लेकिन लोग मुख्तलिफ वीडियोज़ बना बना कर भी अपलोड कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि डीजी रेंजेस जो है वो कहाँ हैं, उन्होंने कहा जी कि अगर वो अगली समाअत के ऊपर पेश नहीं होंगे तो मैं उनको शो काज नोटिस जारी करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि इतने लोगों ने मिलकर एक बंदे को उठाया है और पुलिस और जो रेंजेस है उसकी वर्दी में लोग आकर बंदा ले गए, और पुलिस और रेंजेस की जो वर्दी है ये लोग ये पहनकर जो है वो इधर मुल्क के अंदर इस्लामाबाद के अंदर चोरियाँ हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ किलोमीटर के ऊपर ये हुकूमत है और तब भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही, और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में ना आईजी को रहने कहा कि ना किसी और को, डीजी रेंजर्स को पता होना चाहिए कि इनकी वर्दी अगर इस्तेमाल हुई है। उन्होंने कहा लोग पुलिस और रेंजर्स की वर्दियों में बंदे उठा रहे और किसी को परवाह ही नहीं। और फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ हैं वजारत दिफा के जो नुमाइंदे, उन्होंने कहा जी कि आर्डर का मकसद असली वर्दी वालों को तहफ़ फराम करना है, अगर इस तरह का काम नहीं कर सकते तो आप लोग घर चले जाएं, अगर अमल दरामद ना हुआ तो वज़ीर आज़म को बुलाऊंगा। ये बड़ा सख्त जो है वो उनका आज था, और इसको रिपोर्ट भी किया है डॉन ने। अब जो नुसरत जावेद साहब का एक कॉलम है वो ये कहते हैं कि पार्टी तो बन गई है, मुख्तलिफ लोटे भी इकट्ठे हो गए। वो ये कहते हैं कि इस किंग्स पार्टी तो इसका नाम रखा गया लेकिन किंग के ऊपर असर रोल है, किंग कहाँ आए, कहाँ से आएगा? किंग वो होता है जिसकी तरफ सब देख रहे होते हैं, जिसका अपना वोट होता है, तो किंग कहाँ से आएगा? अब असल एक लड़ाई ये भी अब शुरू होगी कि इस पार्टी का किंग कौन होगा और उस किंग की हैसियत क्या होगी, क्या उसके साथ लोग खड़े होंगे या सिर्फ लोटे ही उसके पीछे खड़े होंगे। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।